2295 IRFC है। ओके जी, IRFC 127.40 रुपए के लिए हुए मैंने, ठीक है, 4 महीने हो गए मुझे। ओके ठीक है, 18 रुपए के ऊपर का आपके पास प्रॉफिट है। अब ये लॉन्ग टर्म व्यू है आपका सर या आप शॉर्ट टर्म में देख? लॉन्ग है, आप मेरे को व्यू कब तक रख सकते हैं, प्रॉफिट होना चाहिए बस। हाँ जी, प्रॉफिट तो फिलहाल भी है लेकिन और कितना प्रॉफिट हो सकता है ये हम देख लें। सरवेन साहब देखिए, एक अच्छा लॉन्ग टर्म व्यू है और शेयरों की संख्या भी काफी अच्छी है, इनके पास फिलहाल 18 रुपए के ऊपर का प्रॉफिट है, लेकिन क्या ये प्रॉफिट और मैक्सिमाइज हो सकता है IRFC? जी बिल्कुल, अगर इनके पास टाइम है और अगर अब इसको ये इसको इस ट्रेड को ये रन करना चाहते हैं 24 महीने प्लस, जो मैं सबको बोलता हूँ कि अगर आपके वो होराइजन है और इनका भाव भी ठीक है, मतलब थोड़ा लेट आया स्टॉक में बट फिर भी आई थिंक काफी ठीक ठाक भाव है, इनके पास कुशन है करंट भाव से, इनके पास एक 15% के करीब का कुशन है और इनको इनको एटलीस्ट वो डैमेज इनको उतना बुरा नहीं लगेगा। तो आई थिंक मुझे लगता है 100-106 का जो ब्रेकआउट हुआ था तकरीबन 12 महीने पहले, वो आई थिंक काफी अच्छा ब्रेकआउट था IRFC का और ये मुझे लगता है कि काफी बढ़िया चलेगा। तो मुझे तो ये लगता है कि इनको बने रहना चाहिए। तो ये 12 हफ्ते का जो ब्रेकआउट रहा है 12 हफ्ते का 3 महीने के करीब, सो 12 महीने में बोल गया पहले, 12 हफ्ते का एक अच्छा ब्रेकआउट था 100-106 से और उन एरियाज को अभी मुझे नहीं लगता कि तोड़ेगा और ऊपर के लेवल्स आएंगे। तो ट्रेड में बने रहें और आई थिंक डेफिनेटली और पैसे इनके बनने चाहिए।